हेलो दोस्तों, मैं हूं आप लोग का नायक भाई। तो आज हम सीखने वाले हैं कि ये वाला जो स्टेटस है कैसे हम सीख सकते हैं अपने काइंड मास्टर के मदद से। काइंड मास्टर ओपन करने के बाद हम सबसे पहले एक फ़ोटो को चूज़ कर लेंगे। फ़ोटो का लेयर थोड़ा बढ़ा लेना है ताकि आपको जितने मिनट का गाना बनाना हो उसी हिसाब से अपने फ़ोटो का लेयर बढ़ा लेना है। अभी हम लोग एक ग्रीन इफेक्ट को ऐड कर लेंगे और ये ग्रीन इफेक्ट वाला वीडियो हम अपने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, वहाँ से आप जाके डाउनलोड कर लेना। इसको आप अपने हिसाब से सेट कर लेना है। फिर हम लोग चलते हैं अपनी क्रोमा वाला ऑप्शन पे, यहाँ पे ऑन कर लेते हैं। यहाँ पर आपको सबसे पहले ध्यान से देखना है कि कौन सा कलर मैं चूज़ कर रहा हूँ और कौन सा नहीं, फिर अपने हिसाब से कैसे आप इसको मतलब सेट कर लेना है ताकि ग्रीन वाला जो कलर है मतलब अपने वीडियो पे सही से दिखे। ग्रीन वाला जितना दिखेगा आपका वीडियो उतना ही अच्छा क्लियरली आएगा। तो ये हो गया अभी वीडियो। तो हम लोग इसको क्या करेंगे, अभी हम लोग इसको एक्सपोर्ट करके अपने डाउनलोड कर लेंगे। तो वीडियो को अभी हम अपनी गैलरी पे सेव कर लेते हैं। वीडियो सेव हो जाने के बाद आपको फिर से आ जाना है न्यू वाला प्रोजेक्ट पे और यहाँ से आपको एक वाइट वाला बैकग्राउंड ले लेना है। वाइट वाला बैकग्राउंड को उतना आपको थोड़ा लेयर बढ़ा लेना है। आप अपने हिसाब से लेयर को बढ़ा लेना है जितने लंबा आपको वीडियो बनाना है। उसके बाद आपको वो फ़ोटो वाला वीडियो को ऐड कर लेना है। ऐड करने के बाद अपने पूरा फुल स्क्रीन पे कर लेना है। फिर से आपको वो क्रोमा वाला ऑप्शन पे जाना है। अभी आपको क्या करना है, ग्रीन वाला कलर को चूज़ कर लेना है। ग्रीन वाला कलर चूज़ करने के बाद अपने हिसाब से यहाँ पर देखना, एडजस्ट कर लेना है, ठीक है। तो अभी आपको क्या करना है, जिस सॉन्ग के ऊपर आप वीडियो बनाना चाहते हो वो वाला वीडियो को ऐड कर लेना है। ऊपर आपको थ्री डॉट का ऑप्शन दिख रहा है, वहाँ पे जाके सेंड बैकग्राउंड के ऊपर क्लिक कर देना है। तो अभी हम क्या करेंगे, गाने को थोड़ा थोड़ा प्ले करके लिख लेंगे ताकि जैसे जैसे गाना बजता जाए वो भी डिस्प्ले पर शो होता जाए। तो अभी हमारा पूरा लिखा गया है। लिख लेने के बाद आपको एक फॉन्ट ऐड कर लेना है जो आपको सही लगे। फिर हम लोग गाना जितना है उसी हिसाब से इसको रखेंगे और बाकी भाग को हम कट कर लेंगे। तो इसी टाइप से आपको पूरा वीडियो पे लिख लेना है। लिख लेने के बाद जितना भी हम लिखें उसको एक अच्छा वाला कलर देंगे ताकि सही दिखे। तो आप अपने हिसाब से कलर जो सही लगे वही वाला ऐड कर लेना, उसी टाइप से जैसा कि मैं कर रहा हूँ, ठीक है। तो मैं अपने हिसाब से कर लिया हूँ। फिर उसके बाद क्या करेंगे, इसको एक ऊपर अच्छी जगह पर सेट कर लेंगे। तो मैं यहाँ पे सेट कर लेता हूँ इसको। तो हो जाने के बाद हम इसको एक एनिमेशन ऐड कर लेंगे इसमें ताकि अच्छा लगेगा दिखने में वीडियो। तो हम अपने हिसाब से एक एनिमेशन को चूज़ कर लेते हैं और फटाफट से सब में एनिमेशन ऐड कर लेते हैं, ठीक है। एनिमेशन आपको सब में ऐड कर लेना है हर लेयर में ताकि किसी कोई छूट ना जाए। फिर उसके बाद हम एक स्टिकर को ऐड कर लेंगे ताकि वीडियो हमारा और भी अच्छा दिखे। तो मुझे एक स्टिकर चाहिए तो मैं ये वाला स्टिकर को चूज़ कर लेता हूँ तक यही मुझे सही लग रहा है। तो मैं इसको छोटा करके थोड़ा सा इस कोने में सेट कर देता हूँ। सेट कर लिया तो सही दिख रहा है अभी। तो वीडियो को आपको थोड़ा सा प्ले करके देख लेना है ताकि कहीं मिस्टेक तो नहीं हो गया, वीडियो में कोई कमी तो नहीं है। हो जाने के बाद वीडियो को गैलरी पे सेव कर लेना है। तो आज का वीडियो इतना ही था दोस्तों।